हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8 नवंबर के लिए करंट अफेयर्स। कल यानी 7 नवंबर तक जो कुछ भी घटा उन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, उसके लिए पहले बहुत ही छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात। देखो ये कि टेलीग्राम चैनल का इशू कई सारे लोगों ने मुझे बताया और वो है भी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल था उसमें आप लोगों ने जब उसे एक्सेस किया होगा तो देखा होगा कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का कुछ दिखा रहा है। तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जब पता किया तो इंडियन एक्सप्रेस ने किसी भी तरीके से उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। और जो लोग उस चैनल में थे वो जानते हैं कि मैं कभी भी किसी प्रकार के पीडीएफ या कोई भी तरीके का कॉपीराइट मटेरियल शेयर नहीं करता था। मतलब कई बार मेरे से बच्चों ने इवन कंप्लेन तक किया कि सिर्फ आप अपने लिंक्स ही शेयर करते हो। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल था उसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें शेयर करता था, या तो वो मेरी क्लास का लिंक होता था या वो मेरी किसी वीडियो का पीडीएफ होता था। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ मैं शेयर नहीं करता था, ठीक है। अब उन्होंने क्यों किया, क्या किया, उसके बारे में हम कुछ खास कर नहीं सकते क्योंकि बड़ी कंपनी है यार, वो हमसे क्यों ही बात करेंगे और मैं उनसे क्या ही कर लूँगा, ठीक है। तो इसलिए वो टेलीग्राम चैनल चला गया है फिलहाल। आप डिस्क्रिप्शन में नए टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपको टेलीग्राम पर जाना है, आपको सर्च करना है, आपको @AMANTRIVEDII अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यानी कि जैसे @AMANTRIVEDII सर्च करते थे, बस एक आई एक्स्ट्रा लगा लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ और पुरानी जो पीडीएफ हमारे चैनल पे पड़ी थी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग सेम हैंडल से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड क्या कर सकते हैं, वी कांट डू मच अबाउट दैट। तो ये हुआ फिलहाल अभी। और जो पिछला वीडियो था उसमें भी कुछ वॉइस का इशू हो गया तो उस वजह से वो भी मुझे डिलीट करना पड़ा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है, 4, 5, 6 या फिर 7 नवंबर। और उसके बाद दिवाली हो गई थी तो दिवाली की वजह से वीडियोज नहीं आ रहे थे और इतना कुछ खास हमारा करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हुआ भी नहीं क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कैंसर, इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले थे जिसमें 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक स्तर पर 9.5 मिलियन के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन कैंसर से मौतें हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मौतें कैंसर से हो रही हैं। 7 नवंबर 2014 को पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इस समय कौन से हमारे परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की हर साल 7वें नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के योगदान को उजागर किया जा सके और जो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण और रोल मॉडल हैं कैंसर से लड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये 6 नवंबर को मनाया जाता है ये दिवस, ठीक है। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है किस देश ने COVID-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओरल पिल को मंजूरी दे दी है, मतलब सिर्फ मुंह से गोली खा सकते हैं COVID-19 के इलाज के लिए, रशिया, ब्रिटेन, यूएस या फिर इंडिया। तो जवाब है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन आपकी पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने ओरल पिल को मंजूरी दे दी है COVID-19 की। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है यूरो और पीएम है बोरिस जॉनसन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है यूएस डॉलर एंड प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ठीक है। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी कमला हैरिस एंड शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी द शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ब्रिटेन अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल पिल। ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक COVID-19 के मामलों में पहली ऐसी कोई दवाई की अनुमति दी है।
इसके अलावा भारत ने इंडिया का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च हुआ है मुंबई में। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। ड्राइव इन थिएटर मल्टीप्लेक्स चेन PVR लिमिटेड द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाएगा। थिएटर को रिलायंस रिटेल और मल्टीप्लेक्स चेन PVR के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। सुविधा में लगभग 290 कारों को समायोजित किया जा सकता है। थिएटर में पहली प्रदर्शित फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी होगी। तो यहाँ पे आप कार चला के जा सकते हैं और अपना एकदम ड्राइव इन थिएटर है, ठीक है। बार्कले का CEO किसे नियुक्त किया गया है? बार्कलेज एक बैंक है UK की हमारी, उसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है और उनका नाम है CS वेंकट कृष्णन को बार्कले का CEO नियुक्त किया गया है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, सुंदर पिचई गूगल के हैं और अजय बांग्या मास्टर कार्ड के हैं। और बार्कले के न्यू चीफ जो हैं वो इंडिया के भारतीय मूल के CS वेंकट कृष्णन हैं। बार्कलेज न्यू CEO इज CS वेंकट कृष्णन, एन इंडियन अमेरिकन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू होल्ड दैट पोजीशन। वेंकट कृष्णन हु वाज मोस्ट रिसेंटली बार्कलेज को प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इज स्टेपिंग इन एज द CEO आफ्टर जेस स्टेली रिजाइंड ओवर हिज टाइज विद लेट फाइनेंशियल जेफरी एपस्टीन, अ कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर हु डाइड बाई सुसाइड इन प्रिजन 3 years अगो। ठीक है, तो उन्होंने जो ये जेफरी एपस्टीन थे इनसे उनके कुछ संबंध रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया है और इस वजह से उनके साथ अपने संबंधों पर इस्तीफा देने के बाद इन्होंने CEO के रूप में कार्यभार संभाला है CS वेंकट कृष्णन। ठीक है, एक्सक्यूज मी सॉरी। इसके अलावा US में एक नया बिल लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें दिवाली को वो नेशनल हॉलीडे बना रहे हैं। US यूनाइटेड स्टेट्स लॉ मेकर्स लेड बाई कांग्रेस वुमेन कैरोलिन बी मेलोनी फ्रॉम न्यूयॉर्क इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू डिक्लेयर दिवाली अ नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री। तो US में दीपावली एक्ट डे एक्ट नाम से ये लाया गया है जिससे दिवाली को वहाँ पर नेशनल हॉलीडे बनाया जा सके। तो ये जो है एक तरीके से इंडियन डायस्पोरा की एक, आप ये देख सकते हैं कि कितनी मतलब मजबूत पकड़ है US के ऊपर कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के बारे में सोचा जा रहा है और उनके हॉलीडे को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इट्स बेसिकली अबाउट कि हाउ मच इंडियन पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू लिव इन US। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। भारत के एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया है। टोटल 84 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल पार्टिसिपेट किए थे जिसमें मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज थी ब्लू फ्लैग 2021 अलॉन्ग विद IF's मिराज 2000 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन एंड इजराइल्स ओवडा एयरबेस। इजराइल के ओवडा एयरबेस में ये एक्सरसाइज हुई। इसकी थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। तो इसकी ये थीम थी कि चौथे और पांचवें जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज में देखा जाए। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स एयरफोर्स मिशन फ्रॉम 8 कंट्रीज टू शेयर नॉलेज एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। द अदर 7 कंट्रीज जो हैं वो हैं आपकी US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड इजराइल। इन सारे देशों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। इजराइल की कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इजरायली शेकल, प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग। ठीक है, इसके अलावा 2022 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अनाउंस हो गई है। QS जो क्वार्करिली सेमंड्स ने 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने लगातार चौथे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और हांगकांग में हांगकांग विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर हैं। इन जो भारत का IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली, ये शीर्ष 50 में केवल 2 भारतीय संस्थान हैं। IIT मद्रास पिछले 50वें स्थान पर है और पिछले साल से 50वें स्थान पे है, 4 स्थान खोकर अब 54वें स्थान पे। IIT मद्रास 50 पे था, अब 54वें पे है। भारत ने 126 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद 118 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। फोन पे ने एक नया टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है सेफ कार्ड। देखिए, RBI ने लोगों को ये मतलब निर्देश दिए हैं कि आप टोकनाइजेशन करिए कार्ड का। टोकनाइजेशन क्या है बेसिकली, ऐसा समझ लीजिए कि क्योंकि फोन पे होता है, कई बार हम लोग अमेज़न यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके की पेमेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। तो हो ये सकता है कि कल को कोई फोन पे की वेबसाइट हैक करके उनकी
आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो टोकनाइजेशन में क्या है कि वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की, वो एक स्ट्रिंग में बदल दी जाती है और वो एक तरीके से एनक्रिप्ट हो जाती है। देखिए मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, इट कैन नॉट बी लिटरली लाइक दैट, बट दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपकी जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से एनक्रिप्ट हो जाती है और वही ये लॉन्च किया गया है। डिजिटल पेमेंट फॉर्म फोनपे ने एक टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ कार्ड, जिसमें 2 सितंबर 2021 में RBI ने डिवाइस बेस्ड टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क एप्लीकेबल को कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस के रूप में कहा था कि ये चीज़ की जाए। तो पेयू ने कर दी है पेयू टोकन हब नाम से, CCA एवेन्यू ने कर दी है टोकन पे नाम से, CEO है फोन पे के समीर निगम, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, फोन पे के टोकन समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य समाधि जो है और स्टैचू केदारनाथ में लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य समाधि और स्टैचू जो है वो केदारनाथ में लॉन्च की है। केदारनाथ के पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में केदारनाथ गए थे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2013 केदारनाथ बाढ़ में समाधि जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। करीब 35 टन की मूर्ति है जो कि 12 फीट लंबी है और इसके मूर्तिकार हैं अर्जुन योगीराज। और यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने केदारपुरी में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई पुनर्निर्माण योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम चार धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर सहित देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों और ज्योतिषपीठों पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा आकाश कुमार भारत के मुक्केबाज हैं जिन्होंने AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार 5 नवंबर 2021 को सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 में AIBA ठीक है पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। 21 वर्षीय आकाश 54 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मखमुद सबिर खान से 0-5 से हार गए। आकाश विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये आपके जब COP26 में थे ग्लासगो में जो हुई है UK में और वहाँ पे ये चीज़ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। ओसो वॉक के बारे में जो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है इसकी पीछे की दृष्टि है वन सन नेवर सेट बिकॉज द सन नेवर सेट। किसी भी समय किसी भी भौगोलिक स्थिति पर दुनिया भर में किसी भी समय पर स्थिर है, सूर्य कहीं ना कहीं धरती पे दिख रहा है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी लाभ उठाएगी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। तो उसके हिसाब से ये सोलर पावर प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं डैमन गलगट, उन्हें बुकर प्राइज से नवाजा गया है। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डैमन गलगट ने जीता बुकर पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका नाटककार और उपन्यासकार डैमन गलगट ने द प्रॉमिस नाम से इनकी किताब है 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है जो देर से रंग भेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक अपनी मातृभूमि में एक परिवार का वर्णन करता है। कई दशकों तक फैली यह किताब देश के लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को दर्शाती है। मिस्टर गलगुट ने फाइनलिस्ट के रूप में तीसरी बार पुरस्कार लिया है पुरस्कार के लिए, जिसे जजों ने टूर डे फोर्स कहा। उन्हें पहले 2003 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन दोनों बार वो हार गए थे। तीसरी बार इन्हें इस बार पुरस्कार मिल गया है द प्रॉमिस के लिए। उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, बट वो खेलेंगे क्योंकि वो US क्रिकेट बोर्ड में साइन कर लिया है तो वहाँ से नहीं खेलेंगे। उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए क्योंकि वो आगामी संस्करण में मेलबर्न रेनेगेड्स टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 28 वर्षीय जिन्होंने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया।
आईपीएल के डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए खेला, भारत ए का भी प्रतिनिधित्व किया, कैप्टन भी थे। इन्होंने इस साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए अब दुनिया भर में बेहतर अवसर तलाशने के लिए उन्होंने बोला था। चंद अब अपना आधार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया था। सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स ने माइनर लीग क्रिकेट का खिताब जीता। दाएं हाथ का बल्लेबाज इस महीने में अंतिम मक्के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा और टूर्नामेंट की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन वन रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट, तो इंडियन ग्रैंड मास्टर जो हैं आपके पी इनियन, इन्हें रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट का अवार्ड इन्होंने खिताब जीता है। इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनियन पांचवीं बार रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट जीता है जो कि सर्बिया में हुआ। इंटरनेशनल मास्टर्स माकरियन रुदिक ऑफ रशिया उन्हें सेकेंड स्थान पर ख़त्म किया और भारत के ही दूसरे प्लेयर वी एस रघुल तीसरे स्थान पर, आई इंडियन मास्टर एस नितिन चौथे स्थान पर और पी इंडियन इज द 16th इंडियन ग्रैंड मास्टर। ये 16वें इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं इरोड तमिलनाडु से। हिज करंट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग्स आर 25556। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये देखो इस पूरी लिस्ट में भारतीय ही ऊपर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो 1924 में बना था पेरिस फ्रांस में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स है लॉसाने स्विट्जरलैंड में और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं अर्काडी वोरकोविच। ठीक है, एक्चुअली इसमें हमेशा रशिया और इंडिया दो ही देश टॉप पे रहते हैं, इसीलिए नाम कई बार यहाँ पे आपको रशियन नाम दिख रहा है और रशियन नाम जब भी होता है वो प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। अरुण चावला को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है फिक्की का। ठीक है, इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में अरुण चावला का नाम बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बन गए। वो इमीडिएट इफेक्ट से अपना चार्ज ज्वाइन कर लेंगे। ही ज्वाइंट फिक्की इन 2011 एंड इज करेंटली द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द चैम्बर। ही ज्वाइंट द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2011 में डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे, अभी वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर और फिक्की सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चनॉय। ठीक है, इसके अलावा एक किताब आई है सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नाम से इनकी किताब है जो इन्होंने पब्लिश की है हाल में और ये इनकी फिफ्थ एंड लास्ट बुक है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। इनकी सीरीज चल रही है पूरी जिसकी ये पांचवीं आखिरी किताब है। द सीरीज फीचर्स द स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेसेस, सेजेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विजडम। तो बेसिकली माइथोलॉजी को एक ये नई माइथोलॉजी प्लस फिक्शन मिला के एक नई कैटेगरी बहुत डेवलप हो रही थी जिसे इसमें इनकी ये पांचवीं आखिरी किताब थी। द सर्पेंट्स रिवेंज पहली किताब थी अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम महाभारत से। अपसाइड डाउन किंग अनयूजुअल टेल्स अबाउट रामा एंड कृष्णा ये दूसरी किताब थी। द मैन फ्रॉम द एग अनयूजुअल टेल्स अबाउट ट्रिनिटी ये तीसरी किताब थी। द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री अनयूजुअल टेल्स अबाउट वुमेन इन माइथोलॉजी ये चौथी किताब थी और ये पांचवीं किताब है द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो ये पांच किताबों की सीरीज है बेसिकली जिसमें ये पांचवी किताब है सेज विद टू हॉर्न्स और सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति इन्फोसिस की चेयरपर्सन हैं और ये किताबें भी लिखती हैं। इसके अलावा सवाल है निजाम गंजवी पुरस्कार किसने जीता है, टेड्रोस गैब्रियसस ने, किम जोंग यू, एंटोनियो गुटेरेस या क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। तो ये जब के पुरस्कार जीता है टेड्रोस गैब्रियस ने। ठीक है, निजाम गंजवी जो पर्शियन पोएट थे, कि ये पर्शियन पोएट थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियसस और संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय के महानिदेशक तातियान वालोवाया को 4 नवंबर 2021 को निजाम गंजवी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, पुराना वाला डिलीट हो गया, नए वाले में आ जाइए सभी लोग और वहाँ पर आपको सारी PDF और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।